Good morning, class 6. This is your MB class. Today in this video, we are going to start chapter 10 in your MB book. So students, now open page number 48 in your MB book. Now see on the top of the page, there is chapter 10. Chapter 10 is about the topic, work is worship, value dignity of labor. Now start reading. No work is small. Koi kaam chota nahi hota. But there are some people who are assumed of doing a specific work. But kuch log hai jin log koi bhi particular kaam karne mein bahut sharmate hai. They think that it is below their dignity to do that work. उन लोग सोचते हैं कि ये काम करने से उनका डिग्निटी, उनका रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. ठीक है? Some people avoid doing certain types of jobs like sweeping, washing clothes, cleaning toilets and drains, gardening, etc. कुछ लोग ये सारे काम को अवॉइड करते हैं. कौन सी काम को? स्वीपिंग करना, ड्रेस वॉश करना, टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स क्लीन करना, गार्डनिंग करना, ये सारे काम को कुछ लोग अवॉइड करते हैं. दे थिंक दैट दीज जॉब्स आर डिसग्रेसफुल एंड दे विल हार्म देयर डिग्निटी. क्योंकि उन लोग सोचते हैं ये काम बहुत शर्मनाक काम है, ये काम करने से उन लोगों का जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो खराब हो जाएगा. दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग एनी वर्क. उन लोग ये चीज को समझते ही नहीं है कि कोई भी काम करने से कुछ गलती नहीं होता है. सच पीपल कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट. ऐसे लोग कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते क्योंकि इन लोग ऐसे काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना? इसीलिए ऐसे टाइप का जो लोग होते हैं कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स ऑल थ्रू देयर लाइव्स. उन लोग जीवन भर ये सारे काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. The word labor generally refers to manual labor or work that is done by hands. The word labor, इसका मतलब क्या होता है कि manual labor means labor that is done by hand, है ना? So labor का मतलब ये होता है ऐसा कुछ काम जो कि हाथ से किया जाता है. It is different from मेंटल वर्क. और जो मैनुअल लेबर होता है वो मेंटल वर्क से डिफरेंट होता है, है ना? बिकॉज इन मेंटल वर्क देयर इज मोर यूज ऑफ माइंड एंड अ वेरी लेस यूज ऑफ हैंड्स. क्योंकि मेंटल वर्क में माइंड का यूज ज्यादा रहता है, हाथ का यूज ज्यादा नहीं रहता है, कम रहता है, है ना? सो लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ काम होता है जो कि हाथ से किया जाता है. और इस मैनुअल लेबर मेंटल वर्क से बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि मेंटल जो वर्क होते है उसमें माइंड का यूज ज्यादा रहता है, हाथ का यूज कम रहता है. इन एंशिएंट टाइम्स मैनुअल लेबर वॉज कंसिडर्ड बिलो स्टैंडर्ड. पहले जमाने में हाथ का जो काम होता था उसको बिलो स्टैंडर्ड का काम माना जाता था. ओके? पहले जमाने में जो हाथ का काम रहता था उसको बिलो स्टैंडर्ड का काम माना जाता था. मैनुअल लेबरर्स वेयर ट्रीटेड एज इंफीरियर बीइंग्स. और जिन लोग हाथ का काम करते थे उन लोगों को बहुत इंफीरियर
बींग्स माना जाता था। ठीक है, तो पहले जमाने में जो मैनुअल लेबर होता था, जो हाथ का काम होता था, उसको बिलो स्टैंडर्ड का काम माना जाता था। और जिन लोग इस मैनुअल लेबर के साथ इन्वॉल्व रहते थे, उन लोगों को इन्फीरियर बींग्स माना जाता था। इवन ड्यूरिंग द ग्रीक सिविलाइजेशन इट वॉज डिस्ग्रेसफुल फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मशून, अ कारपेंटर और अ मैकेनिक। इवन ग्रीक सिविलाइजेशन में भी एक मशून होना, एक कारपेंटर होना, एक मैकेनिक होना बहुत डिस्ग्रेसफुल काम होता था। इवन ग्रीक सिविलाइजेशन में भी एक मशून होना, एक कारपेंटर होना, एक मैकेनिक होना शर्मनाक काम होता था। दस अ लेबरर वॉज अ विक्टिम ऑफ मॉकरी एंड हेट्रेड। इस वे में जो लेबरर रहते थे, उन लोग हंसी और नफरत का विक्टिम बन जाते थे। ओके, जो लेबरर रहते थे, जो हाथ का काम करते थे, उन लोग लोगों का, दूसरे लोगों का हंसी और नफरत का विक्टिम बन जाते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट एवरी काइंड ऑफ वर्क इज गुड। डिग्निटी ऑफ लेबर, इसका मतलब होता है सारे काम अच्छे होते हैं। इट ऑल्सो इम्प्लीज दैट हार्ड वर्क डन बाई अ पर्सन इंक्रीजेस हिज डिग्निटी। इसका मतलब ये भी होता है कि जिन लोग हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों का डिग्निटी इंक्रीज होता है, उन लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ता है जिन लोग हार्ड वर्क करते हैं। गॉड हिमसेल्फ ऑर्डर्ड मैन टू वर्क एंड वर्क हार्ड। गॉड खुद इंसान को ऑर्डर किए थे हार्ड वर्क करने के लिए। ऑल फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ दिस डिक्टेट ऑफ गॉड। इस वर्ल्ड में जितने फेमस पर्सनालिटीज है, उन लोग जो कुछ काम करते हैं, वो गॉड के डिक्टेशन के अनुसार करते हैं। ठीक है, सो इस वर्ल्ड में जितने फेमस पर्सनालिटीज है, उन लोग जो काम करते हैं, वो गॉड के डिक्टेशन के अनुसार, वो गॉड के इच्छा के अनुसार करते हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड लेबर एंड दैट टू मैनुअल लेबर इज नो मोर कंसिडर्ड इनफीरियर। इस मॉडर्न वर्ल्ड में अच्छा काम और हाथ से होता हुआ काम, दोनों काम को इनफीरियर नहीं माना जाता है। पीपल हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ लेबर, क्योंकि लोग अभी लेबर का वैल्यू रियलाइज कर पाए हैं, इसीलिए उन लोग किसी काम को इनफीरियर नहीं समझते हैं अभी मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि उन लोग लेबर का वैल्यू समझ गए हैं। नो स्टिग्मा इज अटैच्ड टू अ पर्सन हु डज मैनुअल लेबर। जिन लोग हाथ का काम करते हैं, उन लोगों में कोई भी स्टिग्मा नहीं दिया जाता है। इट इज स्टिल द लेजर्ड क्लास दैट अवॉइड्स मैनुअल लेबर। अभी भी एक लेजर्ड क्लास ही है जो कि मैनुअल लेबर को, हाथ का काम को अवॉइड करते हैं। बिजनेस टाइकून्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी ओनली एंड डू नॉट रियलाइज अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर। बिजनेस टाइकून्स बस मनी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, बट लेबर का डिग्निटी कभी नहीं समझते हैं। ठीक है, सो जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो बस मनी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, बट लेबर का डिग्निटी कभी नहीं रियलाइज करते। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी, रीड इट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन प्रॉपरली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट स्टोरी इन दिस चैप्टर।